हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपका भी इनकमिंग कॉल बिजी बता रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इनकमिंग कॉल में अगर बिजी बता रहा है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इनकमिंग कॉल जो है वो बिजी क्यों बताता है और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने फोन में आ जाइए और यहाँ पे अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको केयरफुल्ली फॉलो करना है, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है वो आपका ठीक हो जाएगा। फिलहाल मेरे फोन में जितने भी फोन आते हैं वो बिजी बताता है, कोई दूसरे फोन से अगर मैं फोन करता हूँ तो वो बिजी बताता है। तो वो क्यों बताता है? सबसे पहले तो आपको अपने फोन में डायलर को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में ऊपर में ये जो थ्री डॉट दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले तो नीचे आना है और यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिखाई देगा करियर कॉल सेटिंग्स, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है कॉल बैरिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जिस भी सिम पे आपका कॉल जो है वो विजी बताता है नहीं आता है उस सिम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये रीडिंग सेटिंग करेगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 मिनट लग सकता है, तो आपको वेट करना है तब तक ये रीडिंग सेटिंग करता है। चलिए तब तक हम वेट कर लेते हैं जब ये पूरा हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाता है ये सेटिंग, रीडिंग सेटिंग करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी सेटिंग यहाँ पे हमारा इनेबल नहीं है। अगर यहाँ पे आपका कोई भी सेटिंग इनेबल है तो उसे आपको डिसेबल कर लेना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल वेयरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे रिजेक्ट ऑल इनकमिंग कॉल दिया हुआ है, ये जो सेटिंग है वो ऑफ होना चाहिए। यहाँ पे आपको सारे सेटिंग को ऑफ कर लेना है अगर आपका कोई भी इनेबल है तो। उसके बाद यहाँ से बैक आना है और अब आप दूसरे सिम से कॉल करके देख सकते हैं कि अब आपका कॉल आ रहा है कि नहीं। अगर फिर भी बिजी बता रहा है तो अगर आपको एक फिर से एक बार और सेटिंग करना है, एक वापस से हम जाएंगे थ्री डॉट पे और सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सेट रूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऊपर में मिलेगा ब्लॉक कॉल्स, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको जितनी सेटिंग है ये सभी ऑफ करके रखना है। देख सकते हैं सब सेटिंग यहाँ पे ऑफ है, अगर आपका कोई भी ऑन है तो उसे ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर में ब्लॉक ऑल कॉल सबसे इम्पोर्टेंट यही है, तो ये अगर ऑन है तो इसे ऑफ कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ से वापस से आप बैक करते हैं और अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अब आपका कॉल आ रहा है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो अगर आपका कोई एक नंबर है जो जिससे सिर्फ बिजी बता रहा है तो इसका जो मेन कारण है वो हो सकता है आपका नंबर जो है वो ब्लॉक लिस्ट में चला गया हो, इसके कारण से आपका उस तरह का बिजी प्रॉब्लम दिखा रहा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, देन सेटिंग्स पे जाएंगे और अब यहाँ पे आपको सेट रूल्स पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर आपको वो नंबर दिखाई दे रहा है जिससे आप कॉल करते हैं और आपको बिजी बताता है तो वो आपको यहाँ से क्लिक करके इसे डिलीट कर लेना है। तो इस पर थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, रिमूव पे क्लिक करेंगे और रिमूव फ्रॉम ब्लैक लिस्ट, और यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका कोई नंबर है, कई बार गलती से यहाँ पे नंबर हमारा ऐड हो जाता है तो उसे आप यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, इसके बाद आपका जो कॉल है वो आने लग जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको एक बार जो अपना फ़ोन है उसे रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपका जितना भी कॉल है वो आने लगेगा, इसके बाद आपका जो कॉल वीजी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा।